लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स तक किया था, आज हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, जैसे एल्केन का रिएक्शन कंबशन रिएक्शन है, तो एल्कीन्स का भी एक कंबशन रिएक्शन होता है। हमारे पास जैसे एल्कीन है, कोई भी एल्कीन ले लो, C4H8 ब्यूटीन ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये भी बैलेंस वैसे ही होगी जैसे एल्केन की इक्वेशन बैलेंस होती है, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 4 बन जाएंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 8 है तो वाटर के मोल जो हो गए 8/2 यानी 4 बन जाएंगे। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 × 2 = 8, और वाटर में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो टोटल 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन बनाने के लिए मैं 6 मल्टीप्लाई करा दूंगा O2 के साथ, 6 × 2 = 12। अब चाहे कितना भी बड़ा एल्कीन हो हमारे पास, एट जैसे C8H16 है ऑक्टीन, इसे जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। यहाँ पे 8 है, C8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 मोल आ जाएंगे, हाइड्रोजन 16 है तो वाटर के साथ 8 मोल आ जाएंगे। दिस इज 8 × 2 = 16 एंड 8 × 1 = 8, तो 16 + 8 कितना हो जाएगा आपका 24, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, 12 × 2 = 24। सही है, ये वही जैसे एल्केन्स की कंबशन की थी बैलेंस इक्वेशन, एल्कीन वैसे ही। इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है, हमारे पास ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है, उसकी वजह से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है कार्बन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो पॉइजनस होती है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। ये जो डिटेल लिखी हुई है ये ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए लिखी हुई है, याद आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अनस क्या देखना है ऊपर से, चले आगे बढ़े। अच्छा जी, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हमारे पास जैसे एल्केन का कंबशन रिएक्शन के बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन, इसी तरह एल्कीन्स के जो रिएक्शंस होते हैं ना वो है एडिशन रिएक्शन। के हमारे पास 4 एडिशन रिएक्शंस होते हैं, एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एडिशन ऑफ वाटर। अब अगर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ तो क्या होता है बेसिकली एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला रिएक्शन, अभी हाइड्रोजन गैस की बात चल रही है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। अब अगर हमारे पास कोई एल्कीन है जैसे कि इथीन है C2H4, हाइड्रोजन गैस जब इसमें ऐड होगी तो ये इथेन बन जाएगा C2H6। किस तरह से, देखो जो इथीन है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ऐसे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन गैस ये होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जो इथीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें से उसका जो एक बॉन्ड है डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दो जो कार्बन है उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो इनके साथ जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों हाइड्रोजन एटम एक एक कार्बन पे लग जाएंगे, तो ये हमारा इथीन से क्या बन गया, इथेन। जो मतलब अगर जनरली बात करें तो ये एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। एल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। जी आपको ये रिएक्शन मेमोराइज भी करना है, इनकी यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगी वो भी आपको याद रखना है। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि क्या टेम्परेचर लेंगे इस रिएक्शन को कराने के लिए, क्या कैटलिस्ट लेंगे और क्या प्रेशर लेंगे, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी होती है, समझना जरूरी है। रिएक्शन कंडीशंस तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर ये इथीन के अलावा लेट से ब्यूटीन होता C4H8 तो उसके साथ भी ये हाइड्रेशन होती और ये ब्यूटेन बन जाता है C4H10,
अब ब्यूटीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिपेंड करता है कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है या सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, दोनों में से किसी में भी हो डबल बॉन्ड। अगर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में होगा तो भी इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास ब्यूटानीन है, और दूसरा वाला जो है वो ब्यूटुइन हो जाएगा। हाइड्रोजन दोनों में ऐड होगा, जब हाइड्रोजन दोनों में ऐड होगा तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो एल्कीन में जब हाइड्रोजन गैस ऐड करवाओगे तो एल्कीन बन जाएगा एल्केन, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों के दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड के सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो दो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो रही है जिसपे हाइड्रोजन आके लग रहा है, सही है। अच्छा ना, सम स्लो कर लेते हैं इसको, अभी ये वाला समझ आ गया ये बता दो बस। अच्छा, अब इस रिएक्शन में इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन की जो रिएक्शन कंडीशंस है उसमें हमारे पास निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज होगा और टेम्परेचर यूज होगा 150 डिग्री सेल्सियस का। कैटलिस्ट का काम आप लोग जानते हो, कैटलिस्ट क्या करता है, इट स्पीड्स अप अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फास्ट कर देता है केमिकल रिएक्शन को। तो कैटलिस्ट, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है रेट ऑफ अ रिएक्शन अभी तक, तो कैटलिस्ट क्या होता है, इट स्पीड्स अप अ रेट, रेट मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फास्ट कर देता है केमिकल, जल्दी करवा देता है। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस ना वैसे बहुत स्लो होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शंस करवा रहे होते हैं हम, तो कैटलिस्ट बहुत जरूरी होता है यूज करना, वरना ये इतने स्लो होते हैं होके ही नहीं देते, इसलिए हमें कैटलिस्ट जो है वो हर हाल में यूज करना पड़ जाता है। तो विदाउट कैटलिस्ट दिस रिएक्शन कैन हैपन, बट दैट रिएक्शन वुड बी वेरी वेरी स्लो, इसलिए स्पीड अप करने के लिए हमें कैटलिस्ट यूज करना ही पड़ता है इसमें, मतलब ना होने के बराबर होगा रिएक्शन अगर कैटलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। निकल की जगह प्लेटिनियम कैटलिस्ट भी यूज होता है इसमें, कैडमियम भी यूज होता है, तो कुछ बुक्स में प्लेटिनियम भी लिखा हुआ होता है, कुछ में निकल भी लिखा हुआ होता है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। टेम्परेचर याद रखना है 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखेंगे हाइड्रोजनेशन करते वक्त। कैटलिस्ट निकल भी लिख सकते हो, प्लेटिनियम भी लिख सकते हो, टेम्परेचर इज फॉर 150 डिग्री सेल्सियस। और रिएक्टेंट्स क्या है, एल्कीन है और हाइड्रोजन गैस है। अब एल्कीन इथीन भी हो सकता है, प्रोपीन भी हो सकता है, ब्यूटीन भी हो सकता है, ब्यूटीन से ब्यूटेन बन जाएगा, इथीन से इथेन बन जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा। जब वो एल्कीन है तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जब वो हाइड्रोजनेशन उसकी हो जाएगी तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। देखो ये जो कैटलिस्ट है ना, ये यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स तो सबने पढ़ ही लिया है साथ मेरे, ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने एक यूज ये पढ़ा था कि दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो अक्सर निकेल भी दिखेगा एज अ कैटलिस्ट यूज होता हुआ, प्लेटिनियम भी दिखेगा, आयरन भी दिखेगा आपको। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग निकेल और प्लेटिनियम यूज कर सकते हैं, आयरन हम लोग यूज नहीं करते हैं इसके लिए। चले आगे, अच्छा ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली हमारे पास जो
फैट्स होती है ना, फैट्स में भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। फैट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती है प्लांट फैट और एक होती है हमारे पास एनिमल फैट। प्लांट फैट जो है हमें वो ऑब्वियसली प्लांट से सीड से मिलती है, एनिमल फैट जो है वो एनिमल्स के फैट से मिलती है। जो एनिमल फैट होती है उसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड फैट्स। और जो प्लांट फैट होती है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं ज्यादातर, इसलिए इसको हम अनसेचुरेटेड फैट्स भी कहते हैं। अब इसमें ना बहुत सारे, अब पूरी लॉन्ग चेन में हमारे पास बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो मेनी डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसको ना हम पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स भी कहते हैं प्लांट फैट्स को। अच्छा, जो प्लांट फैट्स होती हैं ये ऑयल जो होता है हमारा कुकिंग ऑयल, दे आर यूजली, एक तो जो कुकिंग ऑयल होता है सनफ्लावर ऑयल और कैनोलिव ऑयल, ये सारे जो होते हैं ना हमारे पास प्लांट फैट से बनते हैं। जो हमारा घी होता है दैट इज फ्रॉम एनिमल फैट। अब ये जो है वो मोर हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बॉडी, कोरोनरी हार्ट डिजीज होती हैं इससे, हार्ट अटैक वगैरह, और जो प्लांट फैट है वो लेस हार्मफुल है। जो हमारा बटर होता है वो घी से बनता है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, और वो रूम टेम्परेचर सॉलिड भी होते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है मेरी वॉइस लैग कर रही है सबके पास, नहीं अमाइड लिंकेज तो प्रोटीन में होती है, अमाइड लिंकेज हम आखिर में पॉलीमराइजेशन में पढ़ेंगे, वो प्रोटीन्स में होती है, फैट्स का अमाइड लिंकेज से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। अच्छा देखो, हम लोग ना हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस एक काम के लिए यूज करते हैं, ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती है ना उनमें कोई डबल बॉन्ड हम खत्म करके ना हाइड्रोजनेशन से, इसमें हम निकिल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ डबल बॉन्ड अगर हमें खत्म करने होते हैं, सारे नहीं कर रहे कुछ खत्म करते हैं, तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसका जो टेक्सचर होता है कुछ डबल बॉन्ड खत्म करने पे, वो टेक्सचर जो है ना वो बटर जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ना क्या कहते, मतलब कुछ डबल बॉन्ड रह जाएंगे कुछ खत्म हो जाएंगे, तो उसको फिर हम कहते हैं मार्जरीन। तो जो मार्जरीन होती है, जो ब्लू बैंड मार्जरीन है, बेसिकली वो बटर नहीं है, वो घी से नहीं बना हुआ, वो वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, तो उसका अगर आप रैपर देखोगे तो कहीं पे भी वो बटर नहीं लिखेंगे उसको, वो मार्जरीन लिखते हैं। तो मार्जरीन क्या है, क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म नहीं करे, सिंगल बॉन्ड है लेकिन कम है, तो उसको हम कहते हैं कि वो लेस हार्मफुल है मार्जरीन एज कम्पेयर टू बटर, इसलिए उसको एज अ बटर के तौर पे सब्सटीट्यूट यूज करते हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि भाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स जो है ना, जिसमें आपके पास अनसेचुरेटेड जो फैट्स होती हैं उनको हम जो है वो सेचुरेटेड फैट्स, थोड़े से थोड़े बहुत डबल बॉन्ड खत्म करके सेचुरेटेड फैट बना देते हैं, तो उस होता है क्या है कि उसका टेक्सचर जो है वो बटर जैसा आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड बन जाता है। तो मार्जरीन मेकिंग के लिए ये हाइड्रोजनेशन यूज की जाती है। अब ये जो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है ना, ये तुम्हारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी हुई है, इसमें आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि मार्जरीन मेकिंग में हम क्या करते हैं कि एल्कीन्स की, वो जो एल्कीन्स होती है वो लॉन्ग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, तो उसको हम पॉली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पॉली अनसेचुरेटेड को हम लोग एल्केन यानी के
सैचुरेटेड, अब उसको ना फिर मोनो अनसैचुरेटेड भी कहते हैं, नहीं बल्कि सैचुरेटेड ही बोलो उसको, तो पूरी तरह तो सैचुरेट नहीं करते उसको, सारे के डबल बॉन्ड तो नहीं खत्म करते लेकिन कुछ हद तक खत्म कर देते हैं, बस इतना याद रख। सो डेट कुकिंग ऑयल बिकम्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और उसको फिर हम मार्जरीन कहते हैं, और मार्जरीन जो है बटर का सब्स्टिट्यूट है बट नॉट बटर। सुफियान पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स वो है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल कार्बन कार्बन चेन है ना, तो उसमें जैसे अगर जितने भी कार्बन लगे हुए हैं तो कोई डबल बॉन्ड हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो पॉली मीन्स मैनी, तो मैनी डबल बॉन्ड, तो उसको पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सही है? यस, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स इज फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल ऑयल, एडेबल ऑयल जिसको कहते हैं ना, कॉर्न ऑयल हो गया आपका, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ब्लैक सीड ऑयल हो गया, जितने भी ये सारे प्लांट से डेरिवेटिव निकल रहे हैं ना, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अच्छा, इसी तरह हाइड्रोजन ऐड किया, इसी तरह ब्रोमीन भी ऐड करते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स कहते हैं इसको। ये आसान सा रिएक्शन होता है, इसमें अगर कोई मेरे पास एल्कीन है जैसे कि इथीन है, C2H4, उसमें जब मैं ब्रोमीन ऐड करवाऊंगा तो ये इथेन बन जाएगा C2। अच्छा, ब्रोमीन ऐड कराएंगे तो इथेन नहीं बनेगा, सॉरी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो इसकी जगह पे फिर ब्रोमीन जो है दोनों कार्बन आइटम पे ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाएगा। तो जैसे एल्केन में सब्स्टिट्यूशन हुई थी ना, एल्कीन में एडिशन हो रही है हैलोजन की, दिस इज नोन एज 1,2-dibromoethane, लग गया ना, दो ब्रोमीन लग गए, इसलिए इसको 1,2-dibromoethane कहते हैं। 1 इसलिए क्योंकि एक ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, 2 इसलिए क्योंकि दूसरा ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, डाई इसलिए क्योंकि टोटल दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसलिए डायब्रोमो, और इथेन बन गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, इसलिए इथीन से इथेन बोलेंगे इसका नाम। अब ये रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर मतलब इसको हीट करने की जरूरत नहीं है, नो हीटिंग और नो कैटलिस्ट, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, बस एल्कीन में आपने ब्रोमीन डाला तो वो खुद ही रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, जो ब्रोमीन हम लेते हैं ना, वो हम लेते हैं ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या होता है, जब मैं ब्रोमीन को पानी में डिजोल्व कर दूं, ब्रोमीन लिक्विड लिया मैंने, उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ये बन जाता है एक्वस ब्रोमीन, पानी में डिजोल्व जो ब्रोमीन होती है, दिस इज नोन एज एक्वस ब्रोमीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रोमीन वाटर। अभी जो ब्रोमीन को पानी में डिजोल्व करते हैं ना, तो इसका कलर जो होता है ना, वो कुछ ऑरेंज कलर का शेड आता है, ऑरेंज भी कहते हैं उसको, या रेड ब्राउन भी कहते हैं। किसका कलर है, जब ब्रोमीन है आपके पास Br2 की फॉर्म में ब्रोमीन है, लेकिन जब ब्रोमीन ब्रेक डाउन हो गया है और वो कार्बन कार्बन के साथ लग गया है, तो ब्रोमीन Br2 खत्म हो गया, तो Br2 खत्म हो जाएगा तो उसका कलर भी खत्म हो जाएगा, तो वो डीकलराइज हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा। तो इसको ना हम एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी यूज करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, देखो एल्केन और एल्कीन जो होते हैं ना, अगर मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में एल्केन है, जैसे कि लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास C3H8 प्रोपेन है, प्रोपेन में कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में प्रोपीन है, वो होता है C3H6, प्रोपीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, लेकिन होता क्या है कि ये दोनों जो होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं। अब प्रोपेन और प्रोपीन तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अगर मैं आगे वाले की बात करूँ ना, जैसे हेक्सेन और हेक्सीन, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, या अगर गैस भी है ये एल्केन और एल्कीन, तो ये कलरलेस होती है, अगर लिक्विड फॉर्म है तो भी कलरलेस होती है, मतलब आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सा एल्केन है कौन सा एल्कीन है, तो वो पता लगाने के लिए ना हम इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन डालते हैं दोनों में,
अब ब्रोमीन का अपना कलर होता है, जिसको हमने अभी ऑरेंज भी होता है, रेड ब्राउन भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों कलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दोनों कलर में से कोई भी कलर आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, यूजुअली बुक्स में रेड ब्राउन भी लिखा हुआ होता है, मार्किंग की में कुछ जगह ऑरेंज भी लिखा हुआ है, तो आपने ये दोनों कलर जहन में रखना है कि ब्रोमीन का कलर आपका क्या कहते हैं ऑरेंज भी लिखा हुआ हो सकता है, ब्रोमीन वाटर का कलर, और रेड ब्राउन भी लिखा हुआ हो सकता है। तो होगा क्या, एल्केन में जब ब्रोमीन आपने ब्रोमीन को डाला है, तो ब्रोमीन जो है एल्केन में डलने पे रिएक्ट तो नहीं करेगा एल्केन के साथ, वो तो एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ब्रोमीन डालोगे तो जो ब्रोमीन का कलर है वो एल्केन का भी वही कलर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें ब्रोमीन जाके मिक्स हुआ है, डिसॉल्व तो रिएक्ट तो नहीं हुआ, तो ब्रोमीन अंदर अभी भी ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल्केन का कलर जो है वो ऑरेंज कर देगा, मतलब ब्रोमीन ने अपना कलर चेंज नहीं करा है। अगर ब्रोमीन अपना कलर चेंज कर लेता तो मतलब वो रिएक्ट हो गया है। एल्कीन में जब ब्रोमीन को डालेंगे तो ये ब्रोमीन का ऑरेंज कलर का ड्रॉप जब यहाँ पे गिरेगा, तो गिरने के बाद इसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा ब्रोमीन का, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट हो गया है। तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन के साथ जो ब्रोमीन का कलर है ना वो खत्म हो गया, कलरलेस हो गया, या हम ये बोलेंगे कि ब्रोमीन डीकलराइज हो गई है। तो जिस ट्यूब में ब्रोमीन डीकलराइज हो जाएगी या कलरलेस हो जाएगी, तो उस ट्यूब में क्या होगा, एल्कीन होगा। और जिस ट्यूब में ब्रोमीन का कलर ऑरेंज ही रहेगा, मतलब वो पूरे एल्केन को ही ऑरेंज कर देगा, क्योंकि उसने कलर चेंज करा ही नहीं है, मतलब वो एल्केन है। तो ये टेस्ट फॉर एल्कीन्स भी है, पता लगाना है अगर एल्कीन है या नहीं है कोई चीज, तो हम उसमें ब्रोमीन डाल देंगे। अगर ब्रोमीन का कलर खत्म हो जाएगा तो इट मीन्स एल्कीन है, अगर नहीं होगा तो एल्कीन नहीं है। आई बात समझ? आगे बढ़े। देखो ब्रोमीन जो है ना, जब हम एल्कीन में डालते हैं तो ब्रोमीन का कलर जो है ना वो डीकलराइज हो जाता है, ब्रोमीन अपना कलर खत्म हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब एल्कीन में ब्रोमीन को डालोगे तो एल्कीन अगर इथीन है या कोई भी एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ब्रोमीन एटम लग जाएंगे, मतलब जो ब्रोमीन Br2 की फॉर्म में था उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रोमीन खत्म हो गया। जब ब्रोमीन ही नहीं रहा तो उसका कलर भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही ब्रोमीन आपने एल्केन में डाला है, जैसे कि इथेन है, तो इथेन में तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। जब रिएक्ट नहीं कर रहा तो मतलब ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ब्रोमीन का कलर जो है वो ही रहेगा जो उसका कलर है। अगर ब्रोमीन का कलर खत्म नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो एल्कीन नहीं है। अगर ब्रोमीन का कलर खत्म हो रहा है, ब्रोमीन डीकलराइज हो रहा है, तो इट मीन्स कि जिसमें आपने ब्रोमीन को डाला है वो एल्कीन है। आ गई समझ अब बात? चलो अच्छा, ब्रोमिनेशन के लिए कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, इट हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात याद रखना कि ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, नो कैटलिस्ट और नो हीट इज रिक्वायर्ड। इसी तरह HCl भी हम ऐड करवा सकते हैं एल्कीन में, सेम रिएक्शन है जैसे कि अभी हाइड्रोजनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होगा, मतलब डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा, एक एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा, सही है। इसके लिए भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है, हीटिंग करना या कैटलिस्ट यूज करना, ये रिएक्शन भी खुद ही हो जाता है। अच्छा, इस रिएक्शन का एक क्वेश्चन बनता है भाई, देखो अगर मेरे पास इथीन है इसमें आपने HCl डाला है, तो प्रोडक्ट में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड खत्म होगा, तो अब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है,
HCl है, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अब एक हाइड्रोजन ने एक कार्बन पे लगना है और एक कार्बन ने क्लोरीन पे लग, क्लोरीन को एक कार्बन पे लगना है। अगर आप कहो कि भाई ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि पहले फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगे, अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ना लगे क्लोरीन लगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? क्या ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देखो दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए और 1 क्लोरीन हो गया, दोनों में यही है C2H5Cl, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर आप फ्लिप करके रख दो तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिकल। लेकिन देखो अगर यही काम प्रोपीन के साथ हो रहा होता ना, अगर यही काम HCl प्रोपीन के साथ ऐड हो रहा होता, फिर चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती। क्योंकि देखो प्रोपीन के साथ अगर लेट से जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन पे खत्म हुआ है उसमें से पहले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लग जाए, या फिर ऐसा हो कि पहले कार्बन पे क्लोरीन लग जाए और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, वो क्या है C3H7Cl, और नीचे वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अब डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। पहले वाले में क्लोरीन लगा हुआ है आपका सेकंड कार्बन पे और दूसरे वाले में क्लोरीन लगा हुआ है आपका फर्स्ट कार्बन पे, पहले वाले को फ्लिप करो तो सेकंड वाला नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, पहले वाले में क्लोरीन मिडिल कार्बन पे लगा हुआ है। दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब ये आपके स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं एक दूसरे। समझ आई बात? देखो मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन इथीन में तो कोई इशू नहीं था, इथीन में जो दो ही कार्बन थे उन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग गया, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लग गया। अगर आप कहोगे नहीं पहले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है दूसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर को फ्लिप करो दूसरा वाला बन जाएगा, लेकिन जो प्रोपीन है ना जिसमें पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड खत्म होगा तो दो कार्बन जिनकी वैलेंसी फ्री हुई है फर्स्ट और सेकंड कार्बन, तो अगर पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए और दूसरे वाले कार्बन पे आपका क्लोरीन लग जाए, या तो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाए और दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, तो दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, अनलाइक मोनोक्लोरो चेन जो ऊपर था ना, यहाँ पे जो C3H7Cl बना है दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, क्योंकि पहले वाले प्रोडक्ट में आपका क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है और दूसरे वाले प्रोडक्ट में क्लोरीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। तो ये एक दोनों एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दीज टू विल बी कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ आई बात? आगे बढ़े। इसी तरह अगर ब्यूटीन हो C4H8, तो ब्यूटीन के अपने ही खुद दो आइसोमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ब्यूटीन ब्यूटवानीन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है,
इसमें जब HCl ऐड करवाओगे इसके अपने दो प्रोडक्ट बनेंगे, पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाए, दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, या फिर पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाए, दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाए, अगेन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। देखो एग्जाम में आपको बनाना होगा तो दोनों ही बनाने के लिए कहेगा, ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछता है कितने पॉसिबल है, तो दो पॉसिबल है। अगर तो एक बनाने के लिए कहेगा तो कोई सा भी बना सकते हो। देखो जो पहले वाले इथीन से जो बने ना, ये दोनों सेम है, अगर आइसोमर्स पढ़ा है तुम लोगों ने साथ, तो पहले वाले स्ट्रक्चर को फ्लिप करो तो दूसरा वाला ही है ना, मतलब उसमें नंबरिंग फिर मैं जैसे क्लोरीन से नंबरिंग स्टार्ट करिए सेकंड वाले में, तो फर्स्ट वाले में भी क्लोरीन से स्टार्ट कर देता हूँ। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। ठीक है आगे बढ़े। इसी तरह ब्यूटीन, अगर ब्यूट बनीन है तो उसके दो अपने आइसोमर्स बने, लेकिन अगर ब्यूटुइन है ना, इससे देखो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि इसमें कि इसमें अगर आप कहो कि पहले वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्लोरीन लगा, दूसरे पे हाइड्रोजन लगा, और फिर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पहले पे हाइड्रोजन लगा, दूसरे पे क्लोरीन लगा, तो अगेन ये सेम चीज है। इसके अगर नंबरिंग करेंगे पहले वाले को तो 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, उसकी नंबरिंग में राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ 1 2 3 4, तो वो अगर फ्लिप करके रखोगे पहले वाला स्ट्रक्चर तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आइसोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, एक ही है ये दोनों। देखो इथीन में सेम है, प्रोपीन में दे आर नॉट सेम, क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर आइसोमर्स नहीं समझ आए तो जब फिजिकल क्लास में मिलो तो मुझसे ये समझ लेना ये बात, कि यहाँ पे मैं पकड़ के थोड़ा सा फेस टू फेस समझोगे तो समझ आ जाएगा, तो आके क्लास में पूछ लेना जब भी आपकी क्लास हो। इसी तरह एल्कीन का एक और एडिशन रिएक्शन है जो कि है हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। जैसे ये इथीन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें वाटर को ऐड करा रहे हैं, वाटर HOH, क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो हमारा इथीन है इसका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड खत्म होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, एक के साथ H लग जाएगा, एक के साथ OH लग जाएगा। ये जो OH वाला फैमिली होता है हमारे पास, ये होते हैं अल्कोहल्स, ये हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे दोबारा से इस रिएक्शन को। तो ये जो इथीन था, इथीन से बन गया इथानॉल, ठीक है। अब इसकी नेमिंग और इस रिएक्शन को हम दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में अल्कोहल्स के चैप्टर में जो एल्कीन्स के बाद है। फिलहाल ये एल्कीन का क्योंकि रिएक्शन है इसलिए यहाँ पे ये याद होना जरूरी है कि हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ, मतलब वाटर को इतना गर्म करते हैं कि स्टीम बन जाए, हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कराते हैं और टेम्परेचर लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस का, सही है। और
इसके लिए जो हम कैटलिस्ट लेते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। सही है। जारी मैं वीकली टास्क जो है ना अभी भेजता हूँ इस क्लास के बाद सारे ग्रुप्स को। सही है। सुफियान मुझे फ्राइडे को डिस्कस करना है एक बात। देखो एल्कीन एल्कोहल बन सकता है लेकिन एल्केन एल्कोहल नहीं बन सकता बाय एडिंग वाटर, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। बाकी क्रैकिंग जो है वो दोबारा से इसलिए डाला हुआ है क्योंकि एल्केन्स में हमने क्रैकिंग पढ़ लिया था। एल्कीन्स की भी क्रैकिंग एल्कीन्स की क्रैकिंग नहीं होती है, जब एल्केन की क्रैकिंग करते हैं तो उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट और यूजुअली एल्कीन्स, तो इसलिए क्रैकिंग जो है ना इसमें दोबारा डाला हुआ है। क्रैकिंग पूरा वही है जो एल्केन में तुमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो लार्जर एल्केन फ्रैक्शन होते हैं उनको हम हीट करते हैं, या तो हम विदाउट कैटलिस्ट करें तो टेम्परेचर जो है वो इतना रखना पड़ता है 450 से 750 एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेशर ऑफ 70 एटमॉस्फेयर। अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। कैटलिस्ट जो होते हैं वो सिलिका और एल्यूमिना होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड। तो एल्केन जब क्रैक होते हैं तो स्मॉलर एल्कीन फ्रैक्शन भी बन सकते हैं, स्मॉलर एल्केन फ्रैक्शन भी बन सकते हैं। अपैरेटस वही है क्रैकिंग का जो कि हमारे पास पहले था एल्केन्स में, तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी नहीं आने नहीं है। एल्कीन्स को क्रैक नहीं करते हैं हम लोग, एल्केन्स को क्रैक करते हैं टू फॉर्म एल्कीन्स। सही है। अपैरेटस वही है जो आपने पीछे पढ़ा था, इसमें हमने पैराफिन लिया हुआ है जो कि एल्कीन है और एल्केन है, और इसको हम लोग क्या करते हैं हीट करते हैं और उसको सिलिका चिप, पोर्सलिन चिप्स में क्या होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जब इसमें से पास होगा तो क्रैक होगा। एल्कीन इथीन बन रही है, एल्कीन गैस बन रही है जो कि यहाँ पे जमा हो रही है पानी के ऊपर, इसको जब हम जलाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी। सही है। बस कर रहे हैं कि आखिरी चीज और कर लो। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कह रहा है ऑक्टेन कैन बी क्रैक इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन सच एज रिएक्शन बिलो। अब ये C8H18 है जो कि क्रैक हुआ है टू प्रोड्यूस C2H4। C2H4 इथीन है, इथीन बना है और CH4 बना है मीथेन। बोला है बीच में एक और हाइड्रोकार्बन बना है वो क्या होगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन आपके पास टोटल 8 है, राइट हैंड साइड पे कितने हो गए 2 इथीन के और 1 मीथेन के, तो बाकी कार्बन कितने बचे 3, तो ये हो गए 8 में से आप 3 माइनस करो तो 5 कार्बन और बचेंगे। और हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट पे हाइड्रोजन 18 है, राइट पे कितने हैं 4 इथीन के साथ और 4 मीथेन के साथ 8 हाइड्रोजन है, तो 18 में से 8 हाइड्रोजन तो इथीन और मीथेन के साथ है, बाकी के कितने 10 हाइड्रोजन और रहते हैं। ये जो एक्स प्रोडक्ट होगा हमारा वो C5H10 है, तो ये क्या है पेंटीन। बस सिर्फ मैथ्स करनी है इसमें और कुछ नहीं, बस आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट हम एल्कीन के क्वेश्चंस करेंगे पेपर 1 और फिर एल्कोहल स्टार्ट करेंगे।